Hi friends, I'm Dr. Hitendra Suri from Rana Piles Hospital, Sarhind. मैं पिछले 12 साल से पाइल्स के फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो अभी मैं आपको फिस्चुला, जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें मल द्वार के पास एक फिंसी हो जाती है और वो टॉयलेट वाली जगह के अंदर तक कनेक्टेड होती है, मतलब एक मुंह उसका टॉयलेट वाली जगह के बाहर होता है और एक टॉयलेट वाली जगह के अंदर होता है, तो इसको फिस्चुला कहा जाता है, जिसको आम भाषा में भगंदर कहते हैं. उसके कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण, जिससे पता चलता है कि ये फिस्चुला है. जो बाहर छोटी सी फिंसी होती है उसमें कभी पस भर जाती है तो दर्द शुरू हो जाता है, और जब पस निकल जाती है आराम आ जाता है, तो लगता है ये बिल्कुल ठीक हो गई. पर कुछ देर के बाद फिर से पस भर जाती है और फिर से ऐसा लगता है कि जैसे तकलीफ़ है, और उसके बाद जैसे ही निकल जाती है तो फिर आराम आ जाता है. तो मेन जो चीफ कंप्लेंट है पेशेंट की, वो यही होती है, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि परन फिसन हो जाता है जी, मतलब कभी पस भर जाती है कभी निकल जाती है. दूसरा सिम्टम होता है कॉन्स्टिपेशन. पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो क्यों? क्योंकि जब पस भर जाती है तो उसकी वजह से इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेशेंट स्टूल नहीं पास कर पाता, वो सोचता है मुझे नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है. थर्ड सिम्टम, समटाइम ऐसा लगता है जो साथ में फिंसी है उसमें से ब्लड और पस मिक्स आ रही है, तो ये थर्ड उसको होता है. और समटाइम पेशेंट कैन हैव फीवर, यू नो, क्योंकि वो पस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है. यही फिस्चुला के मेन सिम्टम्स हैं दोस्तों. इस संबंधी अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और हम आपको लेटेस्ट वीडियो से अपडेट करते रहेंगे. हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9814128667. थैंक यू.